नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, हम आपको बता दें कि बिहार झारखंड की दूरी को कम करने के लिए सोनपुर नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार झारखंड के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। हम आपको साथ ही ये बता दें कि ये जो पुल है वो सोनपुर नदी पर बनने वाला बिहार का छठा पुल है, और इस पुल के बन जाने से बिहार और झारखंड के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इस पुल के बारे में, इस पुल के बनने के बारे में सासाराम के जो भाजपा सांसद है छेदी पासवान, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ठीक बात है, आदमी 15 मिनट में पलामू पहुंच जाए, झारखंड से सीधा संबंध जुड़ गया। देखिए, हम MP बने से 14वीं लोकसभा में जब बने थे उस समय से लगातार लगे हुए हैं। PM पैकेज में पुल पास हो गया था, चला गया, संजोग बस से चला गया भागलपुर में, वहाँ चला गया। फिर दोबारा लग करके पुनः विभागीय मंत्री से गडकरी जी निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके कि वहाँ की चीज परिचित प्रतीक्षित मांग है वो उधर के लोगों को, कि हम लोगों का मकान की टोटल इंडस्ट्री बंद हो गया है, टोटल इंडस्ट्री बंद हो गया। जबला सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया, बंजारी सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया, PPCL बंद हो गया, अब जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा हुआ, आदमी एकदम भूखे मर रहा है। तो कोई हम सोचे कि दिमाग में आया कि पहले से कि मतलब ये कि यदि काम यदि रोड का पुल का काम हो जाए तो लोगों का आर्थिक आमदनी, देखते हैं कि रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, लेन हो या ट्रेन हो, यदि जिस इलाके में उसका यातायात बढ़ जाता है उस इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उस इलाके के लोगों को, कारण की स्थिति एकदम भूखों मरने की स्थिति आ गई है, कोई शादी विवाह नहीं कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उस पुल में हम लगे हुए थे। लगातार सफलता मिली, लगे रहने से क्या परिणाम हुआ कि पुनः हमको सफलता मिली। एक तो चला गया वहाँ भागलपुर में, दूसरा यहाँ फिर बनने जा रहा है और टेंडर की प्रक्रिया में है। टेंडर एक सप्ताह के अंदर में टेंडर होने जा रहा है। सारा डिटेल्स आप कहिएगा तो हम एक सप्ताह के बाद आपको दे देंगे। इससे बहुत बड़ी खुशी तो हुई है, इधर हमको तो खुशी होगी कि हम काम कराए हैं, इसलिए खुशी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश वहाँ के उधर के लोग हैं और उन लोगों की खुशी हमारी खुशी है। तो आपने देखा कि सासाराम के भाजपा के जो सांसद है छेदी पासवान, इस पुल के निर्माण के बारे में क्या कुछ कहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पुल के निर्माण हो जाने से बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो कनेक्टिविटी है वो और भी मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही रोहतास कैमूर के इलाके के सरकार के एकमात्र मंत्री जो है जमा खान, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। तो सुनिए आप इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो सोच के अलग हटकर, ये सोच जरूर हम लोग का था, ये जानकारी नहीं था कि जल्दी ये पुल बन पाएगा, लेकिन उन्होंने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आज पुल स्थापित कर दिया जो झारखंड और बिहार जोड़ने का काम करेगा। मैं तहदिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं भी MLA हूँ चैनपुर का और आज मिनिस्टर हूँ, निश्चित तौर पर हम लोग लगे हैं, मेरे MP साहब गार्जियन हैं हमारे, अक्सर उनसे राय मशवरा मैं लेता रहता हूँ। तो आपने देखा कि जमा खान जो है किस तरीके से वो बता रहे हैं कि सरकार जो है लगातार इस इलाके की विकास के लिए प्रयासरत है, और उनका, जमा खान का पूरा सहयोग रहेगा। इस पुल के निर्माण हो जाने से इस इलाके की विकास में काफ़ी तेजी आएगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।